कैसी लगी? हाँ, कैमरा में देखो, कैमरा प्लीज, कैमरा में देखिएगा, बोलिए। बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा फिल्म में? क्या खास नजर आया इस फिल्म में? कहानी में जो असलियत में झगड़ा करते ना, असलियत वाला चीज आप दहेज के बारे में बहुत अच्छा है कि वो आजकल दहेज चल रहा है, जो दहेज के चक्कर में लड़कियों को मार रहे हैं या वो सब कर रहे हैं, वो सब चीज दिखाया है, वो गलत है। तो उसके उस पर बनाया है। ये डायरेक्शन कैसा है आनंद राय का? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वो बहुत इमोशनल है और थोड़ी कॉमेडी भी है, मस्त है। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? म्यूजिक भी बढ़िया है। ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं अच्छा लगा आपको इस फिल्म में? अच्छा तो सभी था। अभी सभी तरह अक्षय कुमार का कैरियर अभी दो फिल्म फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार तो हिट है, चाहे जो जिस मूवी में आएगा वो तो वैसे ही रहेगा। इमोशनल रोल में कितना फिट हुए? मुझे खुद रुला दिया उसने, रुला दिया। नहीं, 5 में 5 देंगे। मूवी अच्छी लगी और अक्षय कुमार का उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। और जो मेन सीन, जो उनकी जो बड़ी सिस्टर, जो लेडी बहन थी, उनका जो डेथ हुआ था उनके बाद, वो वहाँ से सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत अच्छा लगा। उधर से कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। दहेज बंद करा दें, वही। हाँ, कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी है और ज़्यादा करके इमोशनल है, मतलब कॉमेडी भी। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है, उनका भी कैरेक्टर अच्छा है, मतलब म्यूजिक पार्ट भी अच्छा है, सब अच्छा लगा नॉर्मल। अब वो बता नहीं सकता, मगर जो भी कैरेक्टर, मतलब जो भी मूवी अक्षय कुमार करते हैं बेस्ट ही करते हैं। कोई भी कैरेक्टर, जैसे इंडियन सोल्जर के ऊपर या पुलिस के ऊपर हो जाए, कोई भी मूवी हो, सब मूवी में तो उनका अच्छा ही दिखता है। 5 में से मेरे को 5 ही देंगे। अरे साथ ही अच्छी थी उनकी मूवी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, अभी भाई बहन के लिए मतलब तो बहुत ही है। हम ये अच्छी, इतनी अच्छी मूवी तो हम लोग ना भाई बहन ही देखने आए थे, रक्षाबंधन का दिन था, तो हम लोग ने सूरज आज मूवी देख के आएंगे, बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है। अक्षय कुमार की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और जो अभी की सामाजिक स्थिति है इसके ऊपर ये फिल्म है, बहुत अच्छी है फिल्म। लड़कियों ने अपने पैर के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, खुद का एक जगह बनाना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ, दहेज तो बिल्कुल ये प्रथा ही बंद होनी चाहिए। संगीत पार्ट भी बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, मुई अच्छा है। हाँ, 5 मंग से 4 मूवी बहुत अच्छी है। आजकल ऐसी मूवी बहुत कम देखने मिलती है और इसमें कुछ स्टोरी है पिक्चर में जो आपको मतलब टाइम में बांध के रखती है। और इसमें बहुत मजा, ऐसा बहुत दिन के बाद ऐसी मूवी आई है जो फैमिली के साथ, सबके साथ देखने और उससे कुछ सीखने को मिला है। उसमें भाई बहन का प्यार, एक कमिटमेंट और सब, इसमें बहुत अच्छी मूवी है। अक्षय कुमार की बहुत अच्छी मूवी है ये और सबने देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। मला ना खूप आवडला पिक्चर, मी पिक्चर बघत नसते पण खूप आवडला की आत्ताच्या मुलींनी शाळा शिकली पाहिजे, स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे आणि स्वतःच्या स्वतःचं काय आहे ते स्वतः बघितलं पाहिजे, हे फालतूगिरी केली नाही पाहिजे, तर त्यांचं भविष्य चांगलं आहे ना। तर हिंडतात फिरतात कसलं पण करतात, त्यांची जिंदगी खराब होते। तर स्वतःच्या पायावर उभा राहिलं, स्वतः काम केलं, स्वतः आपलं निवडला, आपला जोडीदार व्यवस्थित निवडला पाहिजे। फालतू फिरणं हिंडणंही बरोबर नाही आणि ह्या हिरोने जेवढं काम केलं ना तेवढं खूप छान केलं, मी तर खूप रडले। आणि त्याशिवाय बहिणींचा भावांचं प्रेम आता राहिलेलं नाही, पण हे असं राहिलं पाहिजे बहीण भावांचं प्रेम। आता जे कोण भाव पण विचारत नाही, बहिणी पण विचारत नाहीत ना, प्रेम आहेच नाही आता कोणाचं कोणाला, पण असं वागणं राहणं छान आहे। आणि हिरोने पण काम मस्त केलं, मुली पण चांगले आहेत, खूप मला पिक्चर आवडला। अच्छी मूवी थी, मतलब इमोशनल टच दिया है इन अ फनी वे में, बहुत अच्छा। हाँ, फनी वे, कॉमेडी भी था और इमोशनल भी था। देख,
बहुत अच्छे से, आई विल गिव 5 stars टू हिम, बहुत अच्छे से किया है। नहीं, एंटरटेनिंग थी थ्रू आउट द मूवी, बोर नहीं होगा, बहुत अच्छे से एडिटिंग और सिनेमा बहुत अच्छे से बना है। फिल्म में दहेज के बारे में बताया है, जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पे, द 25th century, जो बंद होना चाहिए अभी। आई विल गिव 4.5। हाँ, बहुत अच्छा था, फैमिली टाइप पूरा मूवी है। मैं तो आपसे विश करता हूँ जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, कि फैमिली के साथ जाके देखो, आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी मालूम पड़ जाएगा कि दहेज के अगेंस्ट है पूरा फिल्म। एंड जो प्यार दिखाया है वो भाई बहन में, वो आज के टाइम पे मोस्टली नहीं दिखने मिलता कौन से भी फैमिली में। तो आई विल सजेस्ट टू गो एंड वॉच, इट इज़ वेरी लविंग मूवी। मेरे ओर से 5 out of 5 रेटिंग रहेगा। बहुत अच्छे करते हो, ऑलरेडी हमने देखा है कि वेरियस फैमिली मूवीज़ में भी बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, और इसमें भी बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। वो भी ऐसे दिखा है कि किडनी, मतलब एक सीन आता है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं, पर ऐसे मतलब खुद का एक गवाह के बहनों के लिए जो करना, वो बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे। वैसे मोस्टली नहीं करता कोई भाई, पर आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत अच्छे से किरदार है, वो अच्छे से पूरा पोर्ट्रेट किया है पूरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मूवी बहुत अच्छी थी, ऑल अबाउट भाई और बहन के प्यार में थी, और दहेज के बारे में बताया था ज़्यादा उसके ऊपर। और अभी इंडिया में हर दिन 20 लड़कियां दहेज के वजह से मरती है, ये बताया था। और आई विल गिव 5 out of 5। अक्षय की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और जो 4 बहनें उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। 5 out of 5 दूंगी। थैंक यू।